सरकार भले ही शिक्षा का अधिकार देकर बच्चों के भविष्य को बनाने के प्रयास कर रही हो, लेकिन धरातल पर इन प्रयासों को लगातार झटके मिल रहे हैं। जिन गुरुओं के हाथ में बच्चों का भविष्य है, वे ही जब संवेदनशील नहीं है तो फिर इस तरह के कानून बनाने का कोई औचित्य नहीं है। गुरुओं की इसी लापरवाही को स्वामी न्यूज ने जब अपने कैमरे में कैद किया तो स्कूल प्रशासन बगले झांकने लगा। मामला पुष्कर के वीआईपी रोड स्थित राजकीय अजनेश्वर संस्कृत माध्यमिक विद्यालय का है, जहां पर गुरुओं ने बच्चों को विद्यार्थी की जगह श्रमिक बना दिया। जिन हाथों से कलम उठवानी चाहिए उन हाथों में गैस के सिलेंडर थमा दिए गए। जैसे ही शिक्षक को इस बात का भान हुआ कि उसकी लापरवाही कैमरे में कैद हो रही है तो बच्चों से सिलेंडर लेकर शिक्षक श्रमिक भी बन गए। दोनों ही नजरियों से स्कूल प्रशासन की लापरवाही साफ नजर आ रही थी और इस बात को स्कूल प्रशासन ने भी माना कि उनसे चूक हो गई। सफाई देते हुए शाला प्रधान ने कहा कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। जैसे व्यवस्था अपने से हो सकती है वैसा कर रहे हैं, और सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम तो खुद दुखी है, बच्चों से भी हैं, टीचर्स भी हमारे पास में नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी समस्याएं हैं, अभिभावक है तो वो भी ध्यान नहीं देते हैं, क्या करें। पता नहीं था कि भाई इतना वो है, मैं तो हम भेजता नहीं है। उन्होंने कहा सर यहीं से लाना होता, अक्सर क्या होता है कि यहीं पे गाड़ी छोड़ के जाती है या हम खुद हैं जाकर के गाड़ी बाइक पे लेके आते हैं। कोई बात नहीं, अब उसका पूछेंगे, उनको समाधान निकालेंगे, उसका आगे से होगा नहीं ऐसा।